So, अभी हम राजा के घर से निकल गए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू रूबोस लाइफ वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ले जा रहा हूँ पोबिट्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके साथ ही मैं आप लोगों को ले जाऊंगा मायोंग, जो एक मैजिकल विलेज है। और मायोंग एक मैजिकल विलेज नाम से जाना जाता है, जहां पर बहुत सारा मैजिक्स होता है। ये एपिसोडिक होगा ये वाला वीडियो। पहला तो हम लोग पोबिट्रा जाने वाले हैं, आज तो पोबिट्रा दिखाएंगे आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं और दूसरा जगह पे जाऊंगा फिर नेक्स्ट। सो अभी निकल गया है हम लोग और स्टेयर्स में निकल गया है। अभी रुक गया है और इसमें जा रहे हैं। तो अभी मैं निकल चुका हूँ, अभी हूँ गेस्ट रोड बड़ा सर्विस में, और बड़ा सर्विस से मैं निकल चुका हूँ पोबिट्रा। निकल सकते तो अभी टाइमिंग ले लेते हैं। आज संडे है और संडे गुवाहाटी तो पूरा खाली है। लेफ्ट साइड जहाँ हम लोग निकलेंगे राजगढ़, तो ये हम लोग है अभी मुनमती में। गुवाहाटी से पोबिट्रा 2 घंटे का रास्ता है और हमने शुरुआत किया है जीएस रोड बड़ा सर्विस से, और हमने सोचा कि राजगढ़ होके निकल जाते हैं तो थोड़ा नज़दीक ही पड़ेगा। तो हमने राजगढ़ होके गीतानगर होके डायरेक्टली झूलमाटी पहुँचा और उसके बाद नारंगी। फिर नारंगी से आप सीधा रास्ता पकड़िए टुवर्ड्स पोबिट्रा, आपको होर्डिंग दिख जाएगा, और उसके बाद पानी खाईटी चंद्रपुर जैसे कई जगहों से आप निकल जाओगे और पहुंच जाओगे मायोंग। सो अभी मैं हूँ नारंगी टिनियाली, और यही पॉइंट जो है जहाँ से आपको लेना है टुवर्ड्स दिस बोर्ड, जो साइन जो आपको ये होर्डिंग दिख रहा है वो होर्डिंग की तरफ जाना है। पोबिट्रा दिखा है इधर से 32 किलोमीटर, और आपको ऐसे ही जाना है क्योंकि हम लोग इस साइड से आए थे तो हमको सीधा जाना है। अगर आप लोग 6 माइल वीआईपी रोड होकर आते हो तो आपको लेना पड़ेगा या टर्निंग होके, ये वीआईपी रोड है और इससे आपको आना पड़ेगा ऐसे करके राइट साइड लेना पड़ेगा। Even if you're gone, I won't fall.
forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. तो इधर थोड़ा पेट्रोल अंदर डाल देते हैं. अगर पेट्रोल है तो रास्ते पे ऐसे भारत पेट्रोलियम आपको एक दिख जाएगा. तो अगर पेट्रोल की ज़रूरत है तो इधर ही आपको रुकना पड़ेगा. क्योंकि There's not much to do. पवित्र जाने का रास्ता तो यही होगा, जो टर्मिनल रोड आपको दिख रहा है यही होगा. लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम लेकर आते हो तो आप टोपोन भी देख सकते हैं. देख कर आते हैं क्या है, एक बार आप देख लीजिए. यह है टोपोन. तो अभी तो मैं हूँ टोपोपोन बोल के, जो मैंने आपको दिखाया था. तो आपको उधर से लेफ्ट साइड जाना है और थोड़ी दूर सीधा जाना है. तो थोड़ी दूर आपको ये टोपोपोन ये वाला लोकेशन, जिससे आपको पूरा ब्रह्मपुत्र दिख जाएगा. तो है आपको पूरा ब्रह्मपुत्र दिख जाएगा. और पिकनिक के टाइम ठंडे के मौसम में लोग पिकनिक पीने आते हैं. और इधर थोड़ा व्यू चल रहा है, थोड़ा मस्ती कर रहा है, इसलिए म्यूजिक कर रहा है. तो ये है, आप देखिए इधर से थोड़ा एक दो आपको ऐसे मिल जाएगा जहाँ पर आप रुक सकते हो. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for too long. और बहुत अच्छे से आप, अच्छा लगेगा आप लोग अगर इधर एक बार रुक जाते हो. क्योंकि और ये देखिए ऐसे हाथ बना के रख दिया है उन लोगों ने. थोड़ा वेट करिए थोड़ा. और ये देखिए ब्रह्मपुत्र, इधर से आपको पूरा ब्रह्मपुत्र, ये पूरा ब्रह्मपुत्र, द माइटी ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा रिसोर्स है ये ब्रह्मपुत्र. इधर ज़्यादा नज़दीक नहीं जाएंगे. तो ठीक है, अभी निकलते इधर से, इधर से निकल के डायरेक्ट. Beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. जैसे आप देख पा रहे हो, जब भी मैं इधर आता हूँ तो ये वाला रास्ता मुझे बहुत पसंद है. सो यही बात है कि जब भी आप नेचर के बीच में आओगे तो हमेशा आपको अच्छा ही लगेगा. तो अभी देखिए इधर इधर की पैर देखिए, लुक एट द ट्रीज, कैसे पूरा रास्ते को ढक दिया है. तो आपका खुद का खुद अच्छा लगेगा. कितना साल हो गया शायद इसका, इन पैरों का शायद बहुत साल हो गया जब इधर तक पहुंचने के लिए. लाइक इतना बड़ा हो गया अभी. और उसके बाद जब ऐसे कुछ हो जाता है जहाँ पर आप गवर्नमेंट को काटना पड़ जाता है, ऐसे पैर बहुत दर्द होता है. फिर भी डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, रास्ता भी बनाना है वो भी है. और ऐसा भी कुछ
लाइए जिससे ये पैर भी ना कटना पड़े और ये भी अपने जगह पर रहिए और हम भी अपना डेवलपमेंट हो सके। मौसम बहुत गर्मी है लेकिन जब मैं इधर पहुंच गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इधर मौसम थोड़ा ठंडा है इधर तो चलो अभी निकलते हैं इधर से। It's been way too long. So this is Mayang Villa और ये Mayang Villa आपको मिल जाएगा इधर से। तो अभी तो हमको this is a restaurant, rooms भी मिल जाएगा, conference भी है और picnic भी है। तो these are the things we'll get। थोड़ा Mayang Villa में देखते हैं, ये this is a restaurant and Mayang Villa। Mayang Villa। Talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know. So this is Mayang Villa. तो आप जब भी आओगे तो Mayang Villa पे आप रुक सकते हो, इधर रहने के लिए भी जगह है। यू कैन इवन दिस इज़ द रेस्टोरेंट, तो इधर खाने के लिए इधर आप इधर आ सकते हो। अगर सिर्फ आपको खाना है सिर्फ फिर इधर आ सकते हो। अगर यू इफ़ वांट टू स्टे, अगर आपको स्टे करना है तो आपके लिए ये बड़ा सुंदर सा पूरा स्पेस वो हॉल था एक्चुअली। अभी देखो फोटो बहुत अच्छा लगा। फोर बेड्स, एसी रूम, फिर बाथरूम, बहुत ही अच्छा है। When nothing really matters, that's all I wanna do. और इधर इधर रूम का रेंट है 2200 से शुरू होता है, जो एक आप मैंने आपको दिखाया उसका रेंट है। दिस इज पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और सो आफ्टर फ्यू किलोमीटर्स आपको ये पवित्रा का बैनर ऐसे गेट मिल जाएगा, तो आपको अंदर जाना है। और रिजॉर्ट भी मिल जाएगा आसपास। सो दिस इज़ द गेट और इधर से आपको जीप सफारी हर एक मिल जाएगा। दिस इज़ द बैनर से आप देख सकते हो, फॉर एंट्री फी पर पर्सन इज 50 और बाहर फॉरेनर के लिए 500 रुपया। फिर टोल फॉर रोड पार्ट्री भी 300 रुपया। एलिफेंट सीट के लिए 450 और विजिटिंग फुल डे टिल सनसेट इज 200। अगर मूवी सुमी कैमरा प्रोफेशनल करना चाहे तो 5000 रुपीज़ फॉर इंडियन एंड 20000 फॉर फॉरेनर्स। और जीप सफारी के लिए, जीप सफारी का टाइमिंग है ये आपको 7 AM टू 12 noon एंड 10 PM टू 3:30 PM। दिस इज़ द टाइमिंग फॉर जीप सफारी। और एलिफेंट सफारी के लिए आपका ऊपर वाला टाइमिंग 6:30 से 7:30। सो ये है। सो Mayong Morigao डिस्ट्रिक्ट। सो एज यू कैन सी जो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो Mayong विलेज में सफारी मिल जाए। पहले तो मैं इस ब्रिज क्यों बंद है नहीं पता, लेकिन दिस इज़ द ब्रिज। हम लोग एक बुरी बात यह है कि अभी पता चला इधर आके कि जिप सफारी अभी बंद है। सो क्यों बंद है, तो उन लोगों का खुद का एक पोर्टल है और जिसमें वो लोग डाल देता है कि अभी 19 से जीप सफारी बंद है टिल कितना सितंबर तक बंद है। पवित्रा बंद होने के कारण हम निकल पड़े Mayong म्यूजियम में। और Mayong म्यूजियम
आके पता चला कि ये खुला है और बहुत ही अच्छा लगा इधर आके। इधर बहुत सारा हिस्ट्री है और अगर आपको मायोंग के बारे में अगर हिस्ट्री जानना है तो एक बार म्यूज़ियम भी विज़िट करें। इधर आपको म्यूज़ियम और इधर आपको हिस्ट्री के बारे में भी पता चलेगा। मायोंग रिसर्च म्यूज़ियम जो है ना विलेज जिससे कॉलम रिवर होके अभी हम है इस पॉइंट पे भी। और ऐसा नहीं था लेकिन एक ब्लैक एंड वाइट टीवी था, अभी भी मालूम है वो इसके साइड में इसको मारने से ना उसका स्क्रीन ठीक हो जाता था। तो ये टीवी अभी भी है, ये देखो। जो मंत्रा होता है एक्चुअली ये मंत्रा जो बेसिकली मंत्रा कुछ बीमार ठीक करने में भी काम आते हैं। वो लोग बेज के पास जाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो ये बेज उपासित नाथ जो अभी नहीं है, वो क्या करते थे कि किसी लोगों का बीमार हुआ और कोई किसी का बहुत लाइक सीवियर पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है या कुछ लेग पेन हो रहा है, तो हर एक बीमार वो लोग ठीक करता था। तो बेसिकली वो जो मैजिक्स हम मैजिक बोल रहा था, जो मैजिकल लैंड है वो मैजिक वो लोग अच्छे काम के लिए यूज़ करते थे। ट्रीटिंग अ पेशेंट यूजिंग अ टाइप ऑफ मेडिकल फंड वाइल चैंटिंग द बीस जोरा मंत्र। बीस जोरा मंत्र सो कुछ मंत्र है जो कोकाल, और कोकाल मीन्स ये जो आपका बैक पेन होता है, सो वो बैक पेन ठीक करने के लिए वो कुछ मंत्र ऐसे करते हैं। ये पिक्चर में देखिए, ये मंत्र कुछ ऐसे करते और तब वो लोग बीमार उन लोगों का पेन ठीक हो जाता है। फिर इधर देखिए, जटाधारी बेज पयोंग रीचिंग द पाम ऑफ अ लेडी पेशेंट टू फोरटेल हर एंड हर फैमिली फ्यूचर अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। सो वो लोग फ्यूचर भी बताते थे लेकिन क्या है क्या नहीं है। फिर ये देखिए, ट्रीटिंग अ पेशेंट बैक एक बाय यूजिंग अ बीस जोरा मंत्र। सो उसका जो बैक एग है मीन्स जो पीठ का जो पेन है वो भी ठीक करने के लिए वो लोग यूज़ करते थे उसका मैजिक्स। फैशन ऑफ फ्लाइंग फॉक्स दे रख दिया है अभी। सो ये सब देखिए, कुछ पैसा आप देखिए, कुछ पुराना पैसा ये हो गया। गाना में भी शौकीन थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सो इसे यही पता चलता है कि वो लोग गाने म्यूजिकल में भी वो लोग इंटरेस्ट है। हम लोग पेपा बोलते हैं इसको। और उसके बाद और कुछ डिस्क रेडियो, ये भी रेडियो कुछ कैसेट्स भी मिल रहा है इधर। तो जो आप देख पा रहे हो इधर एक टाइगर को ट्रैप किया जा रहा है। सो ये एक एक्चुअली क्या है इधर, तो वो लोग कुछ मंत्रा जैसे आपको इधर देख पा रहे हो एक बेज बोल के जो टाइगर को ट्रैप करने में मदद करता था, वो टाइगर को कैप्चर किया जाता था। सो बाघ बंधन मंत्रा, सो कुछ बाघ बंधन मंत्रा था और जिस मंत्र से टाइगर को कैप्चर करके उसको छोड़ दिया देता था। दिस द फॉरेनर्स ऑफ 400, इंडियंस के लिए 50 और स्टूडेंट्स के लिए 30। म्यूजियम से मैं आ गया हॉरेंडे का जो एक बेज है और वो बहुत सालों से ये प्रैक्टिस करके आए हैं। सो आइए उनके साथ कुछ बातचीत कर लेते हैं। कुछ आई हूँ एक बेज से मिलने और यहाँ पे वो लोग का क्या काम होता है क्या है मैं पूछना चाहती हूँ। लाइक उनको तो एसएमएस में बोलना पड़ेगा। आई जस्ट एक्सप्लेन इट यू इन एसएमएस। আপনি ইয়াতে কিমান দিনৰ পৰা এই কাম কৰি আছে? আৰু ইয়াতে যে কোৱা যায় যে মানুহক ছাগলী বনাই দিয়ে, কুকুৰ বনাই দিয়ে, এই কথাটো কি সঁচা নেকি?
সেইটো আমি পোৱা নাই, আমিও শুনা কথা হে হয় নেকি? অ'কে, নোহোৱা নহয়, হয়ে আগৰ দিনত আছিলে, এতিয়া সেইবিলাক মানুহ মৰি গ'ল। সাপে কামোৰাও মন্ত্ৰৰো আছে, আৰু যিটো সাপে কামোৰা হয়তো সেইটো ঝাৰ ফুকা কৰি দিলে ভালে হৈ যাব। सो अभी मैं हूँ मायोंग के राजा के घर, और लाइक इससे पहले हमने जो बेज के घर गया था, अभी हम राजा के घर है। कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मायोंग मेजिकल लैंड बुली क्या है, माने क्यों मेजिकल लैंड बुली क्या है, आरु थोड़ी लोग अपना एक्सपीरियंस तो कॉक किने क्या, माने राजा होए माने किने क्या एक्सपीरियंस? और आगे तामने तेने क्या ইয়াতে যোগ সাধনা হৈছিলে, বিশেষকৈ যোগ সাধনাৰ ফলত বহুতো তেনেকৈ কিছুমান যোগ জ্ঞান লাভ কৰিছিল আৰু সেইবিলাকৰ দ্বাৰাই তেনেকুৱাকৈ মানে অপকাৰ কৰা বুলি যে ক'লে, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ অপকাৰ কৰে, মানে কিছুমান মানুহ এইটো দেখিব নোৱাৰে কিবা কাৰণত, সেইবিলাক মানুহ কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰে ধৰক, বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু অন্তত কি পেহলে মে লোক ডক্টৰ কে পাছ নেহি যাতে থে, তো ডাইৰেক্টলি ও লোক বেজ কে ওপৰ যাতে থে, ও লোক ঠিক কৰি দেতা পুৰা বিমাৰ জো ভি হো গয়া সব কুছ ও লোক হি ঠিক কৰতে থে। সো অভি হম ৰাজা কে ঘৰ সে নিকল গয়ে হে অৰ কুছ কুছ প্ৰশ্ন হম পুছ লিয়া হে অৰ ইয়ে হে। बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत ही काइंड है, बहुत ही, मैं सोचा नहीं था इतना इतना हम्बल होगा, इतना काइंड होगा, बहुत ही अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी है। और अभी तो वो लोग भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं अपने अपने जगह के लिए, कुछ इंस्टीट्यूट बनाने के लिए कुछ मीटिंग वीटिंग हो रहा था, इसीलिए पहले जब आए थे तो वो सो गया था मीटिंग करके ही, अभी हम लोग बात कर लिया है और अभी निकलना है इधर से, गुवाहाटी जाना है अभी। तो रितुल हाय, कुछ बोलोगे, कैसा लगा बात? एकदम मजा मजा लगा राजा को देख के, मजा लगे एकदम पुराना वाला। पहली बार एक राजा को देखा है अपने आंखों से, उससे पहले तो सुना था राजा, लेकिन अच्छा लगा बात करके, बहुत ही अच्छा आदमी था, है ना? हो गया ये तो हो गया एडवेंचर, पूरी एडवेंचर हो गया बाबा। फाइनली अंधेरा हो चुका है और अभी तो देख पा रहे हो, ये जो है व्यू, आप देखिए ये सनसेट का लास्ट व्यू है, और इसके बाद पूरा अंधेरा हो जाएगा। सो अंधेरा होने से पहले हम इधर से निकल जाते हैं, क्योंकि इधर हम लोग अभी रिटर्न हो रहे हैं ये देखो अभी। When nothing really matters,
That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon.